शरीर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें से किडनी मानव शरीर को स्वस्थ बना रखने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। किडनी का महत्वपूर्ण कार्य खून से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करके उन्हें पेशाब के द्वारा बाहर निकालना होता है। किडनी शरीर के पानी और कई आवश्यक खनिज पदार्थों के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। यदि यह ठीक तरह से कार्य नहीं करती है या शरीर में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो हमें किडनी फंक्शन टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। किडनी फंक्शन टेस्ट RFT यानी कि रेनल फंक्शन टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों करवाना चाहिए, इस टेस्ट को कब करवाना चाहिए एवं टेस्ट की अबनॉर्मलिटी आए तो हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। चलिए जान लेते हैं कि हमें किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों कराना चाहिए। इस टेस्ट के द्वारा हमें ये पता लगाने में मदद मिलती है कि किडनी फंक्शन की जो जांच कराते हैं, जो फंक्शनल है, वह अपनी रेंज के अंदर हैं या उनमें कोई अबनॉर्मलिटी या कम बढ़ तो नहीं रहे हैं एवं हमारी किडनी ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। इस टेस्ट की मदद से ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन टेस्ट होते हैं। इसके अलावा और कई टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये टेस्ट आपको कब कराना चाहिए, यदि आपको किडनी की समस्या से जुड़ी किसी भी तरह के लक्षण महसूस हो, जैसे पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब आना या पेशाब ना आना, पेशाब में दर्द होना, पेशाब करते समय या शुरू में परेशानी या बाद में परेशानी होना, चेहरे एवं हाथ पैरों में सूजन आना, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो। देखिए, ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज होती हैं और इन किडनीज का काम होता है ब्लड को प्यूरिफायर करना या फिल्टर करना और इसमें यूरिन बनाकर बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देना। किडनी से ब्लड प्यूरिफिकेशन के बाद जो यूरिन बनता है वी यूरेटर से आता है, यूरेटर से ब्लेडर में आता है, ब्लेडर से यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब देखिए, किडनी के अंदर दो कलर के पाइप आते हैं। एक रेड कलर का पाइप होता है, ये इम्प्योर ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आता है, जिसे आर्टरी बोलते हैं। इससे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है किडनी के अंदर और इसमें क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम को किडनी बाहर निकाल देता है और ब्लड को क्योर करके नीले रंग के पाइप जिसे वेंस बोलते हैं इसके द्वारा वापस ब्लड में छोड़ देती है। और यदि ये सभी क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम को यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और यदि किडनी ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो इस केसेस में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि किडनी ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। यदि इस टेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी हो तो क्या करें, यदि इस टेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी आ भी रही है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। सबसे पहले आप फिजिशियन से मिले, मतलब MD यूरोलॉजिस्ट मिले, क्योंकि हो सकता है आपकी किडनी में कोई और डिसीज हो। डॉक्टर आपको कुछ और टेस्ट के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी आदि। इसके बाद ही पता चल सकता है कि आपकी किडनी में क्या बीमारी है, इसके आधार पर ही सही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो आपको किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर अफेक्ट करती है तो वो किडनीज पर करती है। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।